ये है लावा का हाल ही में लॉन्च हुआ लेटेस्ट स्मार्टफोन लावा Z81। जी हाँ, ये जो फ़ोन है बेसिकली लावा ने हाल ही में लॉन्च किया है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट्स के लिए। तो देखते हैं क्या है इस बॉक्स में, कैसा दिखता है ये लावा Z81, क्या है इसके फीचर, क्या खास है इस फ़ोन में, क्या है इसकी प्राइस, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ये है लावा Z81 का बॉक्स। यहाँ पर फ्रंट साइड में लावा की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉडल लिखा हुआ है Z81। इसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर आपको हैशटैग प्राउडली इंडियन लिखा हुआ है और यहाँ पर पीछे की साइड में यहाँ पर आपको ये कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की साइड आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम फोन को, तो ये है लावा Z81। इसके अलावा फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ोन बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको ये सबसे पहले एक ये प्रोटेक्टिव कवर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लावा के तरफ से ये ईयरफोन दे रखा है जहाँ पर लावा की ब्रांडिंग दी गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है जो कि एक स्टैंडर्ड अडेप्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट ये एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। तो बॉक्स में इतना ही था। जल्दी से आप कर लेते हैं अपने फ़ोन को बूट और डालते हैं इसके फर्स्ट लुक पे और देखते हैं क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है इसके फीचर, क्या खास है इस फ़ोन में। तो यहाँ पर जल्दी से हम इसे साइड में हटा लेते हैं। ये देखिए ये रहा, तो हमारा जो फ़ोन है वो बूट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो इस फ़ोन में आपको दिया गया है 5.7 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले जो कि आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। साथ में यहाँ पर आपको 2.5 कर्व ग्लास दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। फ़ोन के बैक साइड में आपको मैट फिनिशिंग दी गई है जो कि प्लास्टिक है। साथ में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है बैक साइड में और ख़ास बात यह है कि इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में 3.5 mm जैक दे रखा है जहाँ पर आप अपने ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर आपको microUSB पोर्ट दे रखा है जहाँ से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो या फिर डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन दिया गया है और नीचे पावर बटन दिया गया है और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहां पर ये सिम स्लॉट दिया गया है जो कि एक डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट है। मतलब आप दो सिम के साथ एक अलग से एसडी कार्ड डाल के भी अपने फोन के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास फीचर की जो कि है कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको बैक साइड में सिंगल रियर कैमरा दे रखा है जो कि है 13 megapixel का f2.0 अपर्चर के साथ और यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में भी सेम 13 megapixel का सेल्फी कैमरा दे रखा है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर आपको आगे की साइड में ये LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको दोनों साइड में ही, यानी फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में ही 13 megapixel के कैमरे दे रखे हैं। साथ में यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी दी गई, यानी कि अगर आपको अंधेरे में भी सेल्फी लेना है तो आप इस फ़ोन की मदद से ले सकते हैं क्योंकि आगे की साइड में यहाँ पर आपको फ्लैश दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप इस फ़ोन के कैमरे को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कैमरे में, जैसे AR स्टिकर हो गया, सुपर नाइट मोड हो गया, इंटेलिजेंट सेल्फी हो गया। साथ में यहाँ पर आपको ये AI स्टूडियो मोड भी दिया गया है जिससे आप अपने फ़ोटो को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। ये जो फ़ोन है वो बेसिकली OTG को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी चेक करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने कुछ सैंपल्स क्लिक करे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडोर और आउटडोर में लिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ ये जो फोटो है ये मैंने घर के अंदर लिए हैं, स्टूडियो के अंदर लिए हैं, और साथ में कुछ ये जो फोटो है वो बाहर लिए है जो कि शाम का समय था, करीब 4-5 बजे का समय था जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन तब भी ये जो फ़ोन है, कैमरा है, वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। इन सभी चीज़ों के बाद अब हम आते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस पे, यानी प्रोसेसर में। तो देखा जाए तो इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek का Helio A22 प्रोसेसर जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 2.GHz पे क्लॉक है। ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, एक मिलेगा 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस है 7999, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी जो प्राइस है वो है 9499 यानी 9499 रुपये। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन में Android 8.1 दिया गया, यानी Android
ओरियो दिया गया है और ये फ़ोन में आपको जो बैटरी दी गई है वो दी गई है 3000 mAh के, जो कि AI टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो आपके फ़ोन में बैटरी को बचाने में मदद करेगा। तो ये थे लावा Z81 के स्पेसिफिकेशन और प्राइस। तो देखा जाए तो इस फ़ोन का जो मेन हाईलाइट फीचर है वो है इसका कैमरा, जहाँ पर आपको दोनों साइड में फ्रंट और बैक साइड में आपको 13 MP के कैमरे दे रखे हैं। साथ में यहाँ पर आपको फ्लैश भी दी गई, जिसका मतलब है कि आप अंधेरे में भी दोनों साइड से फोटोज आसानी से क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है इसमें आप लाइट गेमिंग कर सकते हो, लाइट गेमिंग यूजर्स के लिए। और खास बात यह है कि आप इस फोन में आसानी से पबजी जैसे इतने हाई ग्राफिक वाले गेम, 1.5 GB के गेम को भी आसानी से खेल सकते हो। बाकी आप लोग बताओ यार, आपको ये फोन कैसा लगा, क्या है आपके ओपिनियन इस फोन को लेके, क्या ये जो फोन है वैल्यू फॉर मनी है, कैसा लगा आपको ये फोन प्राइस और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। जो भी आपके ओपिनियन है इस फोन को लेके नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार इस वीडियो के बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी पे जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।